श्रोमणी अकाली दल ने जिहड़ा कैंडीडेट ऐलाना है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल अपने चो एक तरह के अपने ही उन्हां दा कैंडीडेट हुंदा, अकाली दल दा हुंदा। जे अकाली दल दा कैंडीडेट होएगा तुहाडे विरोध विच, तां तुसीं किहदे कैंडीडेट होवोगे, तुहाडे कोल किहड़ा निशान होएगा? मैनूं समझ नहीं आउंदी कि मैंबर है उत्थे, हांजी, उह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान दा उम्मीदवार बनना है, ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी किहदी है? सारे खालसा पंथ दी। नहीं, पर अकाली दल जी एक पार्टी ने, जे श्रोमणी अकाली दल ऐलानेगी तो मैं समझागी कि मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सिखा की सिरमौर संस्था है, जो खालसा पंथ की नुमाइंदगी करती है, मैं उन्होंने बन जागी। ठीक है, ये मैं पिछले कई दिनों तो गलबात कर भी रहा, और मैं काफ़ी पहला ये एक प्रोग्राम कर भी चुकया हाँ, और बड़े महत्वपूर्ण जोड़े थोड़े श्रोमणी कमेटी के मैंबर आ उन्होंने भी गलबात कर चुकया, लीडर भी गलबात कर चुकया हाँ। मैनू ये संकेत मिलया सी कि सुखदेव सिंह ढींडसा जी दे सपुत्र परमिंदर सिंह ढींडसा होनी, मेरी उन्होंने गल भी हुई सी, काफ़ी दिनों तो कंपेन कर रहे हैं, मैं पता लगे कि कंपेन थोड़े लिए कर रहे हैं। देखो, हर सिख चिंतक है, हर सिख उत्थे श्रद्धा भी रखता, चिंता भी रखता, हर सिख उस संस्था नीज न भी देखता, वो भी सिख है। अपनी एक पार्टी बनाई है, ठीक है जी, वो कोई पंथ विरोधी पार्टी नहीं है, वो भी तो पंथ की सेवक है ना। जेडे वो मैंबर है वो साढ़े ही श्रोमणी अकाली दल की टिकट लैके मैंबर बने। नहीं तो देखो तो पहले मेरी गल पूरी कर, मेरी पूरी गल कर, समझ जाओगे, पहले सुन लो। ठीक है, ये सारे मैंबर श्रोमणी अकाली दल की टिकट पर बने हैं, गुस्से हो गए, रुस गए, वो एक ग्रुप बना के बह गए। ठीक है, ढींडसा साहब क्योंकि अलग होके बनाई सी, हर ग्रुप हर लीडर चाहता है कि मेरे कोई स्ट्रेंथ बन जाए, जो रुस्से गुस्से होए उन्होंने उन्होंने शैल्टर देती। ठीक है जी, शैल्टर जो दी तो जो चोन होंगी है वो फिर एक ग्रुप बन के खड़े हो जाते हैं कि साढ़े को भी है, 25 है, कुछ भी है। असी फिर ऐतकी मैं ये कोशिश की कि जाके इन्हों बेनती करिए भी आप कट्ठे होइए, क्योंकि ये श्रोमणी अकाली दल का आकार जो घटना नहीं चाहिए। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ, ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਦਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ ਗੱਲ ਪੂਰੀ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਲੋਨੇ ਆ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪੰਥਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਨੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਆ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਡਰੋ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਕਾਨੇਕੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹ ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ 'ਚ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ,
उस दिन एक गल होर आ रही थी कि इस बार एक बार फिर श्रोमणी अकाली दल ने एडवोकेट धामी जी होना ते ही विश्वास प्रगटाया। मैंने कहा तो नहीं पर मैंने ये कहा कि अजे साल क तुसी रुक जाओ। अच्छा तो मैं क्या सी नहीं मैं नहीं मैनू ये देखो मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं प्रधान बना तो जीती है नहीं बना तो मर जाऊंगी मेरे तो बिना श्रोमणी कमेटी नहीं चलनी जां मैं ही सोने चला सकती है मेरा ये मकसद नहीं है। मैं तो उन्होंने सिस्टम चेंज करने वास्ते कहा गुस्सा क्यों करते तो जे हम ऐलान कर लगे है मैं समझा कि पहली तो फतेह मेरी इतने ही हो जानी है कि जो अज ऐलान कर देंगे अज उन्हें करना ऐलान अज करेंगे मेरा ख्याल है तो ये मतलब कि गल तो मेरे वाली पूरी मान लो कि जो अज ऐलान कर देंगे तो अज फिर तुम भी ऐलान कर दोगे तब्दीली करोगे क्योंकि मैं इस करके पूछ रहा कि काफी सारे मसले ने मिसाल के तौर पर अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह होनी लगातार इस गल का जिक्र कर रहे हैं कि जिहड़ी अकाल तख्त साहब के जथेदार की नियुक्ति है उसके लिए कुछ नेम बनने चाहिए है। पिछले जथेदारा ने भी ये मामले उठाए से हुण लगातार उठा रहे हैं तुसी इस नूं तरजीह दोगे जे तुसी प्रधान बन जांदे हो। वैसे मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा कोई मैं भी सारी गल्लां मैं उहदे च दस्स दिंदा चल के चंडीगढ़ बिल्कुल जे श्री अकाल तख्त साहिब जी दे जथेदार दे कह रहे ने इहदा मतलब महसूस कर रहे हैं उहनां दी पूरी कदर कीती जाएगी। अच्छा पूरी कदर कीती जाएगी और पूरे उन्होंने विचारां दे नाल सहमत होवांगे पूरी तरह सहमत पूरी तरह होवांगे जी। ठीक है मैं एक होर जे तुहाडे कोल टाइम है तो थोड़ा जिहा मैं जानना चाहुंदा आ कि जे श्रोमणी अकाली दल तुहाडे तो नाता तोड़ लैंदा है श्रोमणी अकाली दल तो भाव अजकल तो यह है भी सुखबीर सिंह बादल जी जे तुहाडे नाल नाता तोड़ लैंदे जिन्हां नाल तुहाडी परिवारक सांझ सारी उम्र रही है तुसीं पिछले 27-28 साल तो अकाली दल दे विच हैगे हो ता तुसी अगली जिहड़ी तुहाडी रणनीति होएगी सियासी रणनीति होएगी वो किस तरह की होएगी। श्रोमणी अकाली दल नूं ही मजबूत करांगे बतौर वर्कर बतौर चौकीदार नहीं जे ओह तुहानूं पार्टी विचों बाहर कर कोई गल नहीं जी ओह कढ़नगे ना मैं तां नहीं निकलदी। अच्छा तुसी नहीं छड्डो मेरे मन चों श्रोमणी दी गल निकल नहीं सकदा नहीं निकल सकदा ओह ना पदवीआं देण कढ देण लेकिन मैं अपना फर्ज समझांगी कि कुछ भी ना होके कोई ओदा ना होके मैं एक सेवक बन के हर घर विच जागती ल्यावांगी कि श्रोमणी अकाली दल क्यों चाहिए पंजाब च। नहीं पर जिहड़ी कंडीशन है मिसाल दे तौर ते जे किन्ने वे कहणगे कि क्यों बीबी चंगा कहिंदी श्रोमणी अकाली दल कि मैनूं कह देणगे कि क्यों वर्करां नूं तुसीं तकड़े करदे हो वी श्रोमणी अकाली दल तकड़ा करो क्यों कहणगे जी मैं तां हुण कह मैं तां श्रोमणी अकाली दल नूं तकड़ा कर रही हां हुण तां कह रहे ओह कही जाण मैं थोड़ा रुकांगी जिन्हां ने तुहाडी सपोर्ट करनी है हां ढींडसा साहब ने या होर भी ग्रुप जिहड़े हैगे आ जिहड़े बादल विरोधी ग्रुप ने ढींडसा साहब तो खास करके जे तुसी मान लो देखो मैं किसी ग्रुप दी नहीं हाँ। मैं श्रोमणी अकाली दल दी है नहीं तुसी ग्रुप दे नहीं ओ भी श्रोमणी अकाली दल च गए है हो सकदा कि श्रोमणी अकाली दल महसूस करके फिर श्रोमणी अकाली दल तगड़ा कर तुहाडी कोशिश होएगी भी ढींडसा साहब नूं वापस असी ते सारे नूं कोशिश कर मैं ते जिन्ने भी नाराज़ ने जिहड़े इस वेले भी 80% वर्कर लीडर नाराज़ बैठे है नाराज़ मीनस जिस तरह कहते डीमोरलाइज होए नहीं पर मेरी मैं सबना नु एनर्जी देने वास्ते मैं बतौर जे मुख सरदार बनती है जी ते मैं उन्हें तकड़े करा।